लोग जुड़े हुए हैं जो जिनके नाम इसमें क्लियर नहीं है, उन सब का मैं स्वागत कर रहा हूं। और हम लोग अब आयुर्वेदिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आयुर्वेदिक, और उसी को हम लोग शेयर हो रहा है, एक नंबर शेयर हो रहा है कि नहीं? अभी नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है? नहीं अभी नहीं। अब हो रहा? यस सर, अब आ रहा, आ गया। तो हम लोगों ने भी पिछली बार पढ़ा था, उधर देखना कोई रजिस्टर है। पेज नंबर 30 दिख रहा है आपको? आपको शो नहीं हो रहा क्या? हो रहा है सर, दिख रहा है। 33 पेज नंबर दिख रहा है, इसी से किताब, उसी से किताब आपके पास अगर है तो। हमारे पास किताब नहीं है इस समय, उसी पर है। तो ये आपका चरक, चरक वन पर है, और चरक वन के वही चैप्टर है, चरक तीन वाला, चरक चैप्टर तीन में है, उसी से हम लोग पढ़ा रहे थे। तो जो हमारे छह आयुर्वेद ने कहा, ये आयुर्वेद की बेसिस है, और आयुर्वेदिक क्योंकि प्रेशर में इसलिए कि आयुर्वेद तो ये वाले उसके समझ लेंगे तो उन्हीं का इंटरप्रिटेशन है उसमें, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रेशर कुछ नहीं है। जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उनको जान करके और हम लोग उससे पहचान करके रोग कैसे है और रोग क्या है, और फिर हम लोग चिकित्सा जो कर रहे हैं वो एक्यूप्रेशर की कर रहे हैं, बस ये। तो इसको मिक्स कर दी गई है, तो चाइनीज एक्यूप्रेशर से थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, जहां पर उनके स्पेशली उनके गुण अलग थे, जैसे कोई ऑर्गन है उसका गुण धर्म अलग था, तो यहाँ पर द्रव्यों के गुण धर्म के आधार पर हम लोगों को ट्रीटमेंट देना है। तो हम लोगों ने आयुर्वेद में पंच महाभूत पढ़े, 10 द्रव्यों का सिद्धांत पढ़ा, टोटल 5 महाभूतों को शामिल करते हुए। फिर हम लोगों ने कहा कि 3 सूत्र हैं, हेत सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र। फिर हम लोगों ने कहा कि हमारे पे 6 जो है उसके घटक है, कंपोनेंट्स। जब कभी प्रश्न आए कि घटक कितने हैं आयुर्वेद में, तो हम लोगों को 6 बोलने हैं, और उसमें क्या है कि द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य, विशेष और समवाय। और इन ये जो 6 घटक हैं, इनके आधार पर, पंच द्रव्यों के आधार पर, पंच महाभूतों के आधार पर, और एक वात पित्त कफ 3 बलों के आधार पर हम लोग चिकित्सा की आगे करते हैं। तो इस पर हमको, अगर हम इन विशेष, जैसे हम लोगों ने सामान्य गुण देखे 10 जो सब में कॉमन है, लेकिन फिर भी उन गुण कॉमन में से वो सामान्य गुण किसी में अधिक हो सकते हैं, तो हम लोगों ने उसको जोड़ा है, और ये आपको चरक 2 में भी दिखेगा, और हो सकता है कि पहले भी ये कहीं उल्लेख हुआ हो। तो हमने कल उसमें बता दिया, सामान्य गुणों में जब कहा था तो वो भी बता दिया था कि सामान्य गुण तो है, ये सभी द्रव्यों में मिलेंगे, लेकिन कुछ द्रव्यों में इनकी विशेषता मिलेगी, और इसका प्रयोग जब आप करेंगे, जब प्रोटोकॉल बनाएंगे, जब आप प्रोटोकॉल कोई बनाएंगे, और उन्होंने कहा कि अभी बताया कि मान लीजिए आपने कहा कि हमको वात ज्वाइंट में, और वात ज्वाइंट में राइट थंब में लेना है, तो बताना पड़ेगा कि राइट थंब में हमने क्या रखा हुआ है, और उसमें कौन सा पहले हमने ऑर्गन रखा, फिर उसमें हमने वात ज्वाइंट क्यों लिया, इसके बेसिस पर कि हम लोग कोई यंग ऑर्गन ले रहे हैं या इन ऑर्गन ले रहे हैं, उसको हम लोग सामान्य विशेष कह रहे हैं कि सामान्य ऑर्गन है कि विशेष ऑर्गन है। जो सामान्य ऑर्गन हमारे यहाँ वही है जो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, विशेष ऑर्गन वो है जो कभी कभी फंक्शन कर रहा है। हमारा सर, हम सर जो है हमारा विशेष है, तो वही विशेषता बता रहा है कि हमारा चेहरे का हावभाव देख करके ही हम पहचान सकते हैं, और हम लोग नीचे के भाग पर जो आधा एफ्राम से नीचे का भाग है उसको देख करके हम अधिक पहचान नहीं सकते।
तो इसलिए पहचान का जहां बात है वो इसलिए विशिष्ट कहा गया। आप लोग सब सब विशिष्ट हैं, लेकिन सब में एक सामान्य गुण है और उनके आधार पर फिर कोई विशिष्ट गुण है तो आपको उसमें से शामिल किया जाता है। तो इन द्रव्यों के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए कि ये वैशेषिक गुण पढ़ लें, विशेष सामान्य पढ़ लें, इनके आधार पर हम लोग देखना कि कौन सा द्रव्य, तो हम लोग उसको पहले समझ लें, फिर हम लोग प्रोटोकॉल पर भी इस पर चर्चा करेंगे। तो गुरु वैशेषिक गुण क्या है कि उसमें है गुरु और लघु, एक पहला गुण हुआ। तो गुरु और लघु का अर्थ जो है, जब आप आयुर्वेद की बात करेंगे तो यहाँ क्या था, यहाँ औषध था, औषध माने कोई द्रव्य था, तो वो द्रव्य माने कोई, जैसे एलोपैथ में कोई केमिकल है, वैसे यहाँ भी जड़ी बूटी के रूप में कोई द्रव्य था आयुर्वेद में, इसलिए द्रव्यों की कंसेप्ट हुआ। अब उन द्रव्यों का जो गुण हम लोगों ने देखा है तो उसके आधार पर हम लोगों ने शरीर में ट्रीटमेंट उसकी किया। अग्नि बढ़ रही है तो अग्नि द्रव्य बढ़ रहा है, अग्नि द्रव्य बढ़ रहा है तो उसको घटाना है, और अगर जल को है तो जल को बढ़ाना है, इस तरह हम लोग। तो गुरु और लघ पहला आप लोग समझिए यहाँ पर सिद्धांत रूप में है कि गुरु लघ है क्या, जो गुरु करे, जो शरीर को जिसका लेने से, जिसको ग्रहण करने से, यानी जिसको खाने पीने से हमारा गुरु हो, हमारे शरीर में गुरुता है, गुरुता माने मोटे हुए, तो वो हमारे हैं। जैसे अभी पढ़ा था आपने कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वायु वाला था, उसमें पढ़ा था कि लीवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लघु वाला, लघु माने कृशता है, जिसमें जो गुरु हो यानी भारीपना है, और जो लघु है वो लघुता है। तो ऐसे द्रव्यों को हम लोग गुरु और लघु की श्रेणी में रखेंगे। तो इनके खाने पीने से क्या था कि अगर गुरु द्रव्यों का प्रयोग आप कर रहे थे तो आप मोटे हो जाएंगे, जैसे मिठाई आप खाए तो मिठाई चली हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि कुछ चीजें हैं, आप टहलना शुरू कर देखे, भौतिक पराभौतिक दोनों टहलना शुरू कर दें तो क्या है, लघुता आएगी, और ना टहलें और खाएं और सो जाएं तो आपको गुरुता आएगी। तो ऐसे ये गुण उसके जो द्रव्य हैं उनके हल्के और भारी के मापदंड नहीं कि वो कितना भारी है, बल्कि वो आपके शरीर को कितना भारी और कितना लघु बना दे रहा है, यह उससे विशेषता है। ठीक, दूसरा ये भौतिक में आ गया। पराभौतिक में क्या हुआ, पराभौतिक में क्या हुआ कि हम अपने परिवार में हमारे माता पिता हैं, वो हमारे से गुरु हैं, वो हमारे गुरु हैं, गुरु मीन्स कि वो हमसे भारी है, उनका जो वचन है वो अधिक भारी है, और हमारा लघु है उनके कंपैरिजन में। जब हम पिता की भूमिका में है तो जो हमारे पुत्र या पुत्री है उनको वो लघुता है। तो इस घर में परिवार में तो ये जो पराभौतिक है वहां भी हमको देखना, क्योंकि हमारे हमारा शरीर भौतिक और पराभौतिक दोनों से मिलकर बना हुआ, इसलिए हमको भौतिक के साथ पराभौतिक का भी संबंध रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हम लोगों का पराभौतिक। तो जब कभी उपचार इस तरह करना होगा तो हम लोग उसको गुरु द्रव्य देंगे या भारी देंगे। अब गुरु हम आगे अभी जब गुणों की बात करेंगे तो सबके द्रव्यों के साथ तीन गुण संबंध है, चल और स्थिर, सर। तो सर माने मूवमेंट, सर माने मूवमेंट है, और स्थिर माने, तो ये ऐसा गुण मिलेगा हमको। तो क्या है शरीर, अगर हम लोग देखें उसमें मानव शरीर विज्ञान में देखें, हम वहां से सहायता ले रहे हैं, तो यानी हमारे पूरे शरीर में दो ही तरह के द्रव्य होंगे। सर एक क्वेश्चन पूछो। हाँ बोलिए, क्वेश्चन कम पूछेगा तो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं हम पूछ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन इसलिए कम पूछे कि पहले विषय को समझिए। अभी तो ये विषय समझने के उसमें है, अभी हम लोग समझ नहीं रहे, बीच में पूछ देते हैं तो हम लोग होता क्या है कि फिर आधा समझ पाते हैं। पूछे सर, ये गुरु और लघु बदलता रहता है, कभी लघु गुरु हो जाएगा, कभी गुरु लघु हो जाएगा? ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा पृथ्वी तत्व का कोई भी लेंगे तो पृथ्वी तत्व भारी होगा, वो पृथ्वी तत्व जो है भारी होगा, वो लघु नहीं पाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ये नियम का कंसेप्ट नहीं है। यह आयुर्वेद में कहा कि जिस, जैसे आप मूवमेंट दौड़ना शुरू कर रहे हैं आप, तो आप बहुत मोटे नहीं रह पाएंगे। आप डेली जो है 10 किलोमीटर चलते हैं तो ये मूवमेंट है आपका, तो आप कभी भी मोटे नहीं हो पाएंगे। मोटे तभी होंगे जब आप घर में रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे लेट जाएंगे सो जाएंगे, तो आपका पृथ्वी तत्व भारी हो जाएगा। तो पृथ्वी तत्व माने गुरुता, हमारे ये चेंज नहीं होगा, वो द्रव्यों का जो गुण है वो स्थिर रहेगा। अभी आगे पढ़िएगा आप लोग,
वो देखिए वो पेज हम बताना नहीं चाहते, वो बाद में बताएंगे, ताकि इन सबको पढ़ने के बाद उसको समझेंगे तो बहुत अच्छा लगे। ठीक, तो सरत माने मोशन, स्थिरता माने स्थिरता। तो हमारे पास पूरा जीवन में यार, पूरे ब्रह्मांड में आप देखिए दो ही हैं, या तो चल है या स्थिर है। तो अगर चल रहा है तो हम शरीर से तुलना करिए, अगर कोई चीज चलने वाली हो, जिसको चलना हो वो स्थिर हो जाए तो रोग है ना। अगर स्थिर रहने वाली चलने लगे तो रोग है कि नहीं। तो जैसे वायु में देखिए, वायु हम लोग वायु की बात करेंगे तो वायु में सर्प तो है लेकिन पृथ्वी में स्थिरता है। तो अभी उसी रूप में हम देखेंगे कि अगर रोगों के संदर्भ में जब बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई हड्डी पैर का मूवमेंट होना चाहिए और पैर रुक जाए, हाथ का मूवमेंट होना चाहिए, कहीं भी हाथ रुकने लगे आप कह रहे हैं हाथ रुक नहीं रहा, यानी हमारी कोई बीमारी आ गई। तो जिसका जिसको चलना है, वाणी को चलना है, वो बोलने न लगे तो स्थिर हो जाए। तो यानी ऐसे ही हम लोग इसको तुलना करेंगे। रक्त संचार की गति एक तय है, पैमाना है कि इतने ऐसे होती है, 0.8 सेकंड में हम लोग कह रहे हैं कि पूरा रक्त जो है हमारा आ जाना चाहिए, स्थिर हो जाए। क्यों स्थिर हो जाए? क्योंकि उसमें भारीपन आ जाए, भारीपन आ जाए मैंने उसमें कुछ और ऐड हो जाए तो धीरे धीरे हो जाएगा, तो यानी बीमारी है। और अगर बहुत तेज चलने लगे तो भी बीमारी है। तो सर बहुत हो जाए तो यानी अगर बहुत मूवमेंट हो जाए या बहुत स्थिर हो जाए, इसको जिसका जिसका गुण धर्म स्थिर रहना है, हड्डियां अपने आप में, जो हड्डियां नहीं मूवमेंट करती है उनको वो मूवमेंट कैसे अगर करने लगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। लेकिन जो हड्डियों के जोड़ मूवमेंट करने हैं वो नहीं मूवमेंट करे तो आपको परेशानी हो जाएगी। आपको पैरों का मूवमेंट अगर रुक जाए तो घुटने, कहते ना कि घुटना हमारा जाम हो गया है, यानी उसको घुटने को चलना चाहिए वो जाम हो गया है। इस रूप में हम लोग सर और स्थिर को देखेंगे तो ये हम लोगों का होगा। ऐसे ऐसे हम लोग सारे चीजों को देखते चलेंगे। फिर क्या है? शीत उष्ण। तो शीत उष्ण मान देखिए, हॉट एंड कोल्ड वहां कंसेप्ट है चाइनीज में, याद रखिएगा। हम लोग चाइनीज और जितना हम लोग बीएचबी पढ़ा है, जितना चाइनीज पढ़ा है, उनको दिमाग में रखेंगे जरूर। वहां हॉट एंड कोल्ड की बात थी, यहां देखिए शीत उष्ण। तो वहां शीतलता उष्णता वाला सिद्धांत है, यहां भी वही है कि इस शीत और उष्ण के कारण ही आपका शरीर का बैलेंस बना हुआ है और उसका टेम्परेचर आपका जो 98.60 फारेनहाइट है वो इन्हीं की वजह से, इसी गुण के कारण है। अब शीत और उष्ण में हमारे शरीर में क्या है? जो उष्ण माने जाते हैं कौन? जो हमारे आप तो समझ लीजिए कि जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स नॉर्मली उष्ण माने जाते हैं। क्यों? तो जो इनको आग्नेय माना जाता है, आग्नेय क्यों? एसिडिक कैरेक्टर। जो एसिडिक कैरेक्टर है वो उष्ण माना जाएगा और जो शीत वाला कैरेक्टर है वो हमारा क्षारी माना जाएगा। और हमारे शरीर का जो हम लोग शरीर का भी बात पढ़ा था मानव शरीर विज्ञान में कि हमारे शरीर का जो पीएच है वो कभी भी एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो हम उष्ण चीजें लेते जरूर हैं, यानी एसिडिक चीजें लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली शरीर उनको कन्वर्ट करता है शीत के लेवल पर। तो इसीलिए जो एल्कलाइन है वो शीत माने जाते हैं, जो उष्ण है वो। बहुत से अंतर भी मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपको एसिडिक, सबसे बड़ा एसिडिक कौन है आपका, हम लोग बताएंगे शरीर में सबसे अधिक एसिडिक कोई द्रव्य बताएंगे आप, कोई तरल, कोई वो नहीं? गैस्ट्रिक जूस सर, हाँ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस पीएच 1.2 के आसपास हो जाता है, तो गैस्ट्रिक उससे बड़ा दोष नहीं है वो, तो एसिडिक, हाईली एसिडिक है तो वो। और जो है पैंक्रियाटिक जूस, हम लोग कहते हैं पैंक्रिया से निकलता है तो क्या करता है, एल्काइन हो जाता है और उसका पीएच 8 है, तो वो क्या करता है इस पूरे एसिडिक 1.2 को 8 की तरफ ले जाता है। उधर आप जो लीवर से निकलता है बाइल जूस, तो उसको कहते हैं वो उदासीन है, न्यूट्रल टाइप का है लेकिन क्षारी गुण लिए हुए है। तो हमारे शरीर का आप पीएच कहीं भी देख लीजिए, सबका पीएच आपको देखिए, आपका रक्त का पीएच ले लेंगे तो 7.4 है, यानी वो भी चाहता है कि शीत हो। उसी तरह आप उसमें सीएसएफ ले लेंगे तो सीएसएफ भी उसका पीएच 7.4 के आसपास आएगा। तो यानी सबका आप देखेंगे नॉर्मली सबका 7.4 आता है। आप कभी जब शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो इसमें जितने एंजाइम हैं
ये भले एसिडिक कैरेक्टर के हों लेकिन ये पीएच 8 में सबसे बढ़िया काम करते हैं। इनको भी वातावरण चाहिए शीत वाला, तो ठीक है। ऐसे हम लोग जब शीत मान लीजिए कहीं एसिडिक बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसिडिटी बढ़ जाएगी तो हम लोग जल को बढ़ा देंगे, एसिडिटी को घटा देंगे, यही हम लोग करते हैं। हम लोगों ने भी कहा था कि अगर कहीं अग्नि बढ़ी हुई हो तो हम लोग 2-3 sedate 1 photon करते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल बनते हैं। तो शीत प्रकृति का जो है वो हमारा माना जाता है कौन, क्षारीय, और उष्ण माने माना जाता है वो हमारा एसिडिक। तो पूरे शरीर को, पूरे हमारे जो बॉडी है हमारा, इस बॉडी को अल्टीमेटली उष्ण नहीं होना है, शीत होना है। उधर अब आप पराभौतिक देखिए, यहां तो भौतिक आपने देख लिया, पराभौतिक में शीत उष्ण क्या है। अगर आपका व्यवहार उष्ण नहीं होगा, व्यवहार में आपके गर्मी नहीं होगी, गर्म जोशी से मिला, अगर आपको कहें कि बड़ा बोले गया, आप गए कहीं किसी के यहाँ बैठे और उसने आपसे ठीक से बात नहीं किया तो आप कहते हैं बड़ा शीतलता का व्यवहार किया, बड़ा शीत व्यवहार किया, बड़ा ठंडे ठंडा व्यवहार किया हमारे साथ। तो ये वहां जो है व्यवहार में, वहां व्यवहार में उष्णता होनी चाहिए, वहां शीतलता की आवश्यकता नहीं। हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप उष्णता का होना चाहिए, आग नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों समय समय के साथ शीत और उष्ण में परिवर्तन होता रहता है। तो गर्म जोशी से मिलना उष्ण वाला है, तो व्यवहार जहां व्यवहार का, इसका मतलब कि वहां भी कहीं जहां भी अपने व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वहां आपको समझना है कि बीमारी का एक सिंबल, आपको सिंबॉलिक बीमारी प्रकट हो गई, वो उसने दिखा दिया, चाहे आपको भौतिक रूप में और चाहे पराभौतिक रूप में। स्निग्ध वृक्ष देखिए ये क्या है, स्निग्ध माने थोड़ा चिकना और वृक्ष माने होता है रूखा, ठीक। तो ये जो दो कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर हैं एक साथ कहीं पर, जैसे त्वचा स्निग्ध होनी चाहिए, क्यों, अगर त्वचा में रूखापन है तो आप कहते नहीं कि जाड़े में हमारे शरीर में रूखापन है तो आप क्या करते हैं, क्रीम लगा देते हैं, तो रूखापन जो है, रूखापन त्वचा का बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि स्निग्ध होनी चाहिए त्वचा, वही कोमल त्वचा जिसको बोलते हैं कोमल स्निग्ध त्वचा। तो त्वचा अगर रूखी हो रही है तो बीमारी का द्योतक है, तो इसलिए हमको स्निग्ध और वृक्ष को इसी तरह देखना है। फिर पराभौतिक में क्या है, पराभौतिक में क्या है, पराभौतिक में अगर स्निग्ध होगा तो उसको हम लोग चापलूस मानते हैं कि बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें किया आकर के लेकिन काम करके नहीं दिया, और रूखा बड़ा रूखापन का व्यवहार किया लेकिन रूखा तो आदमी है लेकिन काम तो पूरा करता, रूखा था बड़ा रुखाई से बोला लेकिन जो काम जिसके लिए गए थे उसने करके 24 घंटे में दे दिया। तो ये चापलूसी जो कैरेक्टर है, क्योंकि चापलूस व्यक्ति क्या होगा, वो आपके पक्ष में आपके सामने आपकी बात और किसी के दूसरे सामने बात, तो पराभौतिक में ये नेचर खराब नेचर माना जाता है। उससे बेटर हम ये नहीं कह रहे कि रूखा बहुत बढ़िया है, लेकिन कह रहे हैं कि रूखा जो है वो इन कंपैरिजन टू स्निग्ध बेटर है। लेकिन जहां जिसका कैरेक्टर है स्निग्ध जहां होना चाहिए, जहां फिसलने वाला हो चाहिए, अब यहां पर मोलस जा रहा है, अगर वो स्निग्ध नहीं हो, वहां की त्वचा स्निग्ध नहीं हो और रूखी हो तो क्या होगा, बोलस ठीक से जाएगा नहीं। तो वो जहां पर आवश्यकता है वहां स्निग्ध होना चाहिए, जहां रूखापन है वहां रूखापन होना चाहिए, ठीक। ये इसे पूरा पढ़िएगा, यही है, इसमें कुछ नहीं। पूरे पाचन तंत्र में म्यूकस द्रव्य का स्राव होता है और वो क्या है, भोजन को सरकाने के लिए, तो ये स्निग्ध होता है। अगर ये रूखा हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पाचन क्रिया में ही प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ब्लड कैसे बनेगा, और ब्लड नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कैसे ऑक्सीजन सब जगह पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो कैसे एनर्जी बनाएगा माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया एनर्जी बनाएगा तो कैसे आप खेलेंगे कूदेंगे खाना बनाएंगे पढ़ेंगे लिखेंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सारा जो है, तो स्निग्ध जो है जहां देखिए, अभी और देखिए आंतों में देखिए स्निग्धता अगर म्यूकस में हुई तो आपका स्टूल का क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो वो रूखेपन का वो रूखा हो जाएगा, उसको स्निग्ध होना चाहिए, क्योंकि मल बंधा हुआ होना चाहिए उसको स्निग्ध होना चाहिए, रूखा हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो वहां उसकी कैरेक्टर वो है। तो ये जहां उल्टा हो जाए
जो जिसका कैरेक्टर हो तय है, मापदंड हम लोग कहा ना, पैमाने तय है, हिताहितम सुखम दुख मायूस तस्य हिताहितम और मानन चित्तच्छेदरूप मायुर्वेदस्य उच्यते। तो आयुर्वेद में सारी चीजें मान भी लिखा हुआ है, तो मान जिसका पैमाना तय हो कि ये कितना होना चाहिए, परिमाप तय हो, मान तय हो, पैमाना तय हो, तो वो वहां पर हम लोग मानेंगे कि उससे विभिन्न भिन्न हो जाएगा तो वो रोग का द्योतक है। तो हम लोग उसको हर संलक्षण वही देखिए वहां भी है, ये भी दोनों एक संलक्षण चिकनाहट वाला है और एक खरता है, खरता माने टेढ़ापन उसको भी कहते हैं, जो ये है ये जो रुक्ष है ना, रुक्ष रूखा वाला, ये चौथा नंबर का रूखा, रूखा और रूखा हो जाएगा तो खर हो जाएगा टेढ़ा, तो बोलेंगे कैरेक्टर में कि वो आदमी रूखा ही नहीं है, बहुत टेढ़ा आदमी है, ये बोलते हैं। और उसके अगेंस्ट में स्लक्ष है, ये दोनों गुण द्रव्य में चिकनाहट खुरदरापन पैदा कर देते हैं। अगर खरता बढ़ेगी तो भी नुकसान है, खरता अगर शरीर में वो त्वचा में अभी पहले रूखा हो और फिर खरता आ जाए और टेढ़ापन होने लगे, हड्डियों में स्पेशली ये आता है कि हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। अभी एक बीमारी का इलाज बताया था मैडम ने कि बीमारी होती है रूमेटिज्म, तो रूमेटाइड में क्या होता है, हड्डियां ये हो जाती हैं और उसका असर हार्ट पर भी पड़ता है, तो इसलिए वो उसको रिलेटेड टू हार्ट भी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए खर और स्लक्ष दोनों जहां जहां जिसकी आवश्यकता है, ये द्रव्य के गुण है, विशिष्ट गुण है, किसी में खरता होगी किसी में स्लक्षता होगी। खरता जो है बांस वगैरह में जब सूखा हो जाएगा तो खरता टेढ़ापन हो जाता है, तो ये खरता वहां भी आ जाती है। ठीक, तो ऐसे ही तो इन जहां पर अब इसका उत्तर दिया हुआ सत्वा, सत्वा या रोटी, रोटी मिलाएंगे पानी उसको चिकनापन करेंगे तो एक होगा, लेकिन अगर खूब आटा डाल दें तो खरता हो जाएगा, वो बन ही नहीं पाएगी रोटी। पराभौतिक में क्या उसको देखिए, पराभौतिक में क्या मानेंगे, पराभौतिक में खर वही जो रुक्ष है वही खर है और जो स्निग्ध है वही उसी तरह स्निग्ध है, तो का जो समझौतावादी होगा उसको खराब नहीं मानते हैं, वो क्या करता है कॉम्प्रोमाइजिंग में स्निग्ध है, अगर खरता होगा तो टेढ़ा होगा, वो आदमी सही बात भी आपके नहीं सुनेगा, कहेगा मैं नहीं सुनूंगा ये खरता है। और अगर कॉम्प्रोमाइजिंग है, आपने कहा कि क्लास हमारे संडे को बंद होने चाहिए, ठीक है, संडे क्लासेस हम लोग माने चला रहे थे, संडे क्लासेस बंद होने चाहिए, तो अगर मैंने कहा नहीं संडे को भी क्लास चलेंगे तो ये मेरी खरता है या मेरा रुक्षता है, लेकिन अगर ये मैंने कहा कि ठीक कोई बात नहीं हम समय को कर लेंगे, हम एक घंटे का कर सकते हैं, तो समझौतावादी उधर भी हुए, उधर भी श्रेष्ठ वाला कैरेक्टर शुरू हुआ, उधर भी मैडम ने कह दिया कि ठीक है एक घंटे क्लास हो जाएगा, तो ये हुआ। अगर ये नहीं होता तो दोनों काम बिगड़ते ना, तो इसलिए ये जो समझौतावादी है वो बेस्ट माना जाता है, समय परिस्थिति देश काल की परिस्थितियों को समझ करके और आपका बुद्धि आपके पास है उसका व्यवहार करना, उसका बुद्धि का प्रयोग करना, ये समझौतावादी कहलाता है। ठीक, लेकिन जो संरक्षण होता है वो वही तरह संरक्षण वाला व्यक्ति है, वही चिकना के रूप में है, तो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, जितना आवश्यकता है वहां संरक्षण भी बहुत अधिक होने लगेगा तो भी प्रॉब्लम, तो इसलिए जहां जिसका कैरेक्टर, ये बस इसको गुण को समझते जाइए कि इनका अर्थ क्या है, उन्हीं अर्थों को आप प्रयोग करना पड़ेगा। ये सबसे अधिक श्रेष्ठ आएगा आपको आकाश के संदर्भ में आएगा, आकाश को माना जाता है श्रेष्ठ है, तो अप्रतिघात उसका रक्षण। ठीक, तीव्र मंद मानिए, तीव्र मंद मानेगा तीव्र वसूलता वही समझ, जो आप उष्ण में मंद माने क्या है, मंद माना जाता है जो हम केमिकल वो मानव शरीर विज्ञान में एंजाइम क्या करता है, एंजाइम खुद क्रिया में भाग नहीं लेता, एंजाइम ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करता है, कोई जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो इसकी प्रेजेंस में वो केमिकल रिएक्शन तेज हो जाता है, इनको एंजाइम बोलते हैं, खुद नहीं क्रिया में भाग लेता, खुद ना इट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड, इट इज नॉट यूज्ड अप, ना तो यूज्ड अप होता है ना कंज्यूम होता है, बट इन इट्स प्रेजेंस द एक्टिविटी इज जस्ट इंक्रीज्ड, एक्टिविटी पूरा प्रोसेस चेंज कर देती है, तो प्रोसेस को तेज कर देती है। इसके उल्टा जो ये वाले नहीं होते,
इसके उल्टा ये तो ये इस पे स्पेशली जितने ये है ये आग्नेय पदार्थ होते हैं नॉर्मली, जैसे एंजाइम आग्नेय माना जाता है, एसिडिक कैरेक्टर वाला माना जाता है। तो एसिडिक एक सेकेंड, तो ये जो तो जो तीव्र है वो पुष्ट वाला है एसिडिक कैरेक्टर का, और जो मंद है वो क्षारीय है। तो मंद जो क्रिया करेगा वो क्षारीय मतलब क्षार वाला जो है उसको क्रिया को घटाता है, और जो ये वाला एसिडिक कैरेक्टर वाला है वो बढ़ाता है। तो इसलिए जो है तो वही इसको उसी तरह रखे तीव्र मंद, तो तीव्र मंद भी हमारा किसी गुण होगा। अभी हम जब पढ़ेंगे तो तीव्र और मंद जो 10 द्रव्यों में है इसमें किसी का तीव्र होगा और किसी का मंद गुण होगा, तो वो उसके इसके आधार पर हम लोग जान जाएंगे कि किस गुण की कमी और अधिकता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा फिर नेक्स्ट आया, चल वो नहीं हो रहा क्या, शेयर नहीं हो रहा क्या तिवारी जी, शेयर नहीं हो रहा क्या? शेयर हो रहा है सर, शेयर है। हाँ तो अब ये हो गया, तो तीव्र मंद वही है। तो अब मान लीजिए जैसे रसायन रसायन की ऊर्जा हम लोग वही पढ़ चुके हैं कि कोई भी केमिकल है अगर उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है तो हम लोग क्या करते हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि अग्नि को घटाने लगते हैं और जल को बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि जल मंद है और तीव्र है ये वाला हमारा अग्नि। ठीक है, सूक्ष्म स्थूल। अब कोई द्रव्य देखिए सूक्ष्म और स्थूल पूरे सारे द्रव्य हैं, कोई सूक्ष्म होगा कोई स्थूल होगा लेकिन कोई कॉम्बिनेशन भी होगा, तो ये समवाय माने सबका मिला जुला रूप है। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्मतम है, मन सूक्ष्म है, वहां पर इधर पांच पदार्थों में भी कुछ सूक्ष्म है और कुछ स्थूल है, पृथ्वी स्थूल बनी जाती है। तो अगर इन चीजों का कैरेक्टर हम समझे रहेंगे यानी गुण की विशेषता जानते रहेंगे तो विशिष्ट गुणों के आधार पर हम लोग ये समझ जाएंगे कि हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है वो सूक्ष्म के कारण कि स्थूल के कारण। अब सूक्ष्म अब स्थूल की बुद्धि अब देखिए पराभौतिक में, तो और वहां भी जैसे वो था ना गुरु और लघु वाला, तो वैसे ही अगर शरीर आपका स्थूल काय हो रहा है तो कोई ऐसा तत्व आप ले रहे हैं जिससे आपका शरीर स्थूल हो रहा है, और अगर आपका शरीर दुबला पतला हो रहा है पतला दुबला हो रहा है तो कोई ऐसे पदार्थ का आप सेवन कर रहे हैं या ऐसी ऊर्जा का, ऊर्जा पदार्थ में ऊर्जा है, तो उस ऐसे पदार्थ या ऐसी ऊर्जा का सेवन कर रहे हैं जो सूक्ष्मता की ओर ले जाती है। अब ये तो भौतिक की बात हो गई, पराभौतिक में क्या है? पराभौतिक में सूक्ष्म माने हुआ कि सूक्ष्म यानी आपकी बुद्धि बड़ी, उनका बड़ी आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, यानी आप छोटे जो उसका कोई भी कहा जाएगा शब्द या कोई भी वाक्य कहा जाएगा उसके निहित अर्थों को, उसमें जो वाक्य में निहित अर्थ है उसको आप समझ लेंगे, आपकी बुद्धि समझ लेगी और कहेंगे बुद्धि उसकी स्थूल है, यानी बुद्धि मोटी है। कहते नहीं बुद्धि मोटी है, तो बुद्धि मोटी का मतलब बुद्धि स्थूल है, बुद्धि स्थूल है इसका मतलब कि उसके बुद्धि में कम समझ में आ रहा है। तो पराभौतिक में अगर कभी ब्रेन के समझ में बुद्धि के संबंध में
ये आएगा स्थूल या सूक्ष्म, तो आपको सूक्ष्म वहां ले जाना है। क्यों? अगर अगर ब्रेन रिएक्ट नहीं करता या चीजों को जल्दी समझता नहीं है तो बीमारी है। इस रूप में हमको इसको पूरा समझना है, ठीक है, क्योंकि चैतन्यता सूक्ष्म, आत्मा चैतन्य है, आत्मा सूक्ष्मतम है, यानी जितने आप उच्चतर स्तर में जाएंगे उतने आपके सूक्ष्मतम होंगे। तो मन और मन के अंदर जो बुद्धि है, मन के साथ जो बुद्धि निहित है, उस बुद्धि में हम लोगों ने कहा था ना कि मन के साथ बुद्धि भी रहती है, अहंकार भी रहता है। तो ये जो बुद्धि है, अगर बुद्धि सूक्ष्म होगी तो आपको जो भी आप सेंटेंस बोलेंगे उसको जल्दी ग्रहण कर लेगी, पिछिल और विशद। पिछिल और विशद क्या है? हम लोग पिछिल विशद करते हैं, तो पिछिल माने देखिए चिपचिपापन जो है, और विशद माने साफ सुथरा, मतलब है। और विशद के बहुत बड़े अर्थ हैं, वो बता देंगे आपको, ग्रुप में भेज भी देंगे विशद के क्या अर्थ हैं। लेकिन पिछिल और विशद का ये है कि जो चिपचिपापन जहाँ है वो पिछिल है। और तो इस रूप में देखिए कि हमारे शरीर में जो बहुत श्राव है वो या तो पिछिल हो जाए या कोई विशद हो गए। अगर नाक से, जो इसमें लिखा हुआ है कि नाक से अगर आप करेंगे तो नाक वैसे नॉर्मली पिछिल होगा, लेकिन अगर नॉर्मली ऐसे आप नाक से सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें जल के कण भी जाते हैं, तो वो विशद होते हैं, वहां पिछिल नहीं होता। लेकिन जब कभी आप सर्दी बीमारी हो जाती है तो जो, और बिना बीमारी के भी सामान्य रूप से नाक निकलेगी तो पिछिल कैरेक्टर की होगी, यानी उसमें चिपचिपा होगा, कुछ उसमें ऐड होगा, तो उन सब चीजों का मिश्रण है। तो ये पिछिल और विशद गुण जहां जहां नाक से छींक के दौरान स्वस्थ, अगर नाक नॉर्मली आपके गाढ़ा गाढ़ा पिछिल मने और गाढ़ा हो जाए नाक, तो हम लोग कह देते हैं कि सर्दी लग गई है, या हम लोग कहते हैं गर्मी हो गई है। ऐसे होता ना कि गर्मी लग गई है, तो गर्मी लगने में हम लोग कहेंगे, वो चाइनीज में लिखा हुआ है कि गर्मी लगेगी तो हमारा पीला पिछिल जो नाक निकलेगी वो पिछिल मैंने खूब पीली और पीलापन लिए हुए और गाढ़ी निकलेगी, यानी आपको सर्दी गर्मी लग गई है। तो इस तरह हम लोग उसको निकालेंगे कि अगर आपका जो कोई उसमें जो द्रव्य है उस द्रव्य की विशेषता होगी, उस द्रव्य का पिछल होना, किसी का विशद होना आवश्यक है। अब वो पिछल के जगह विशद कैरेक्टर को ले लिया तो भी नुकसान, और विशद था उसको पिछल नहीं होना था और वो पिछल हो गया तो नुकसान। तो इस रूप में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। ये पूरा दिया आप लोग भी पढ़िएगा, लेकिन है वही कैरेक्टर यही है। मृदु कठोर, अब देखिए मृदुता कठोरता वही है कि कठोर क्या, पृथ्वी को हम लोग कठोर मानते हैं, जल को मृदु मानते हैं। तो मृदुता जहां आवश्यक है, जैसे जल अगर मृदु न रहे और पीने का पानी मृदु माने मीठा, मृदु माने मीठा भी और मृदु माने सॉफ्ट भी, तो अगर ये पानी कैरेक्टर बदल जाए और वो मृदु की जगह कठोर हो जाए तो हम लोग कहते हैं कठोर जल, पढ़ते थे साइंस में कठोर जल, जिसमें कई तरह के सब्सटेंस मिले हों वो कठोर जल हो जाता है और वो पीने में मीठा नहीं रहता है और वो पीने का पानी जो है जल्दी पानी पी नहीं सकते हैं, तो उसको मृदु बनाना पड़ता है किसी सिस्टम से कोई करके, मतलब फंक्शन करके कोई। तो ऐसे ही हमारे कठोरता मृदुता सब कैरेक्टर्स में विशेषता, कुछ की विशेष सब में सब होती है, लेकिन जिसमें जो कैरेक्टर अधिक, जैसे पृथ्वी कठोर है, जल मृदु है, ये कहा जाता है। मृदु के अलावा और भी तमाम है, और भी है, मृदुता आकाश में भी है। तो ये जो है उस शरीर में इनके आधार पर कि कौन अंग हमारा मृदु था, मृदु होना चाहिए और कठोर हो गया, कड़ापन जहां आपके कहीं नोड्स बनने लगे तो कठोर हो जाए तो ठीक नहीं है, मृदुता होनी चाहिए। तो वो अगर ये बढ़ रहा है तो ये बीमारी का, उसी तरह अस्थि के बारे में कहा है, जल अस्थियों में आप पढ़ेंगे हड्डियों मेले में कि हड्डियों में 30% के आसपास जल होता है और शेष पदार्थ सॉलिड या तत्व होते हैं। अब ये जल तत्व बढ़ जाए 30% से 40 हो जाए तो हमारी हड्डियां क्या होंगी, कमजोर हो जाएंगी, तो हम लोग कहेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। फिर उसमें और पानी बढ़ जाए तो क्या हो गया, उसमें छिद्र हो जाएंगे, जितने छिद्र, पोरस तो सभी होते हैं लेकिन जितने बड़े बड़े छिद्र हो जाए
तो पोरस जब हो जाएंगे, जब पोरस हो जाएंगे तो यानी हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है और उसका बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी है का घनत्व, घनत्व घनत्व डेंसिटी, तो डेंसिटी जब परिवर्तित हो जाएगी तो भंगुर होने लगेंगी, ब्रिटल होने लगेंगी। आप कहीं खड़े हैं अचानक टूट गए, हड्डियों की तो कठोर होना चाहिए, तो ऐसे ही है। और अगर बहुत कठोर हो जाए, मान लो 30% की जगह जल जो है 10% रह जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि मार्बल स्टोन, स्टोन उसको बोलते हैं कि हमारी हड्डियां स्टोन की तरह हो गई, तो वो भी दोनों दोनों चीज गलत है। तो ऐसे ही क्योंकि अपना फंक्शन खोने लगेंगे ना, उसको सॉफ्ट भी होना चाहिए, लचीली भी होना चाहिए, आपकी स्पाइन को लचीली भी होनी चाहिए ना, कठोर तो है सीधी खड़े करेगी, लेकिन वो अगर लचीली ना होगी तो आप झुक नहीं पाएंगे, और आप खड़े खड़े कैसे काम कर पाएंगे, तो आपको झुकना भी है, आपको पीछे बेंड थोड़ा बहुत बेंड भी करना है, इधर भी जाना है उधर भी जाना, तो ये जो है मृदा के कैरेक्टर की वजह से होती है, जो जल का मृदा माने जल, अधिकांशतः जल द्रव सांद्र। अब वो भी देखिए द्रव माने क्या हुआ, द्रव सांद्र माने, द्रव माने लिक्विड भी होता है, और द्रव माने जो अधिक जिसमें जिस पर बहाव अधिक तेज हो वो द्रव की श्रेणी में आता है। सांद्रता वो जिसमें कंसंट्रेशन अधिक बढ़ जाए और चीजों का, तो वो क्या होता है उसको मूवमेंट धीमे हो जाता है, तो वहां भी सरताप जहां है सर वाला और जो चल वाला, तो उसमें सांद्र जो है वो सर नहीं रह पाएगा, वो स्थिर अधिक होने लगेगा, और द्रव जो है वो अधिक, तो द्रव कैरेक्टर है आपका जल का, जल बहुत, और सांद्र कैरेक्टर है पृथ्वी का। तो यानी कोई भी दो गुण है, दोनों गुण में जैसे देखिए लिखा हुआ है, शरीर के प्रत्येक छिद्र आंख से श्रवित होने वाले उत्सर्ज का एक मानक घन, सबका घनत्व है कि इतना होना चाहिए, अगर यही सांद्र होने लगे तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर में क्या बोलते हैं कि ब्लड में और कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, तमाम टॉक्सिन ऐड हो जाते हैं, तमाम वेस्ट मटेरियल ऐड हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं रक्त को मोटा कर देते हैं, सांद्र कर देते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो उसका मूवमेंट कम हो जाता है, तो मूवमेंट कम हो जाता है तो तमाम चीजें हम पढ़ते हैं कि बीपी हाई हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि उसको अधिक फोर्स लगानी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, और वही द्रव हो जाए यानी कंसंट्रेशन उसका घट जाए, कुछ चीजें और पतला हो जाए, पानी जल की मात्रा बढ़ जाए, तो हम लोग जल वहां पढ़ा था कि जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारा प्लाज्मा है तो उसमें 55% के आसपास तो प्लाज्मा होता है, और जो 45% हमारे वो होते हैं, फिर प्लाज्मा में भी हम कहते थे 90% हम लोग कहा था 90% हमारा जल होता है और शेष 10% में सब होते हैं। तो यानी जहां भी द्रव और सांद्र का है, मतलब कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए किसी पदार्थ में, किसी भी चीजों में जो हमारे शरीर में है, चाहे वो जल हो चाहे वो द्रव हो चाहे वो हमारा रक्त हो चाहे और लिक्विड हो चाहे और शरीर के और भाग हो, सब में लिखा हुआ, सब में परसेंटेज है कि इसमें इतना जल होता है इतना ही हो, तो अगर उस घनत्व से चेंज होने लगे तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हम वास्तव में कहीं बीमारी की परिधि में आ रहे हैं। ठीक, देखिए ये सब पूरा वही है कि घनत्व के आधार पर सांद्र द्रव्य की स्थिति रोग सूचक होती है, और वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ये टिश्यू सामान्य रूप से सांद्र है, लेकिन ये पतला हो जाएगा तो रोग का सूचक है। सलाइवा, ये सबकी विरलता और सांद्रता के आधार पर रुकन, अगर सलाइवा में देखिए सलाइवा में दो तरह के हो जाए, सलाइवा में उसका जो 6.8 पीएच है ये घट जाए, ये बढ़ जाए सात की तरफ हो जाए, तो हमारे जो है तो सात की तरफ हो जाने का मतलब क्या हुआ कि वो शीतलता की बढ़ी हुई उसमें जल अधिक मिलने लगे तो कंसंट्रेशन उसको कम कर देगी, पीएच घट बढ़ा देगी, तो जब पीएच माने अग्नि, अग्नि तक तो घट जाएगा तो हमारे बैक्टीरिया मुंह से ही प्रवेश करने लगेंगे, तो नेचुरली कहीं ना कहीं हमको तो इन इनके आधार पर अब हम लोग आए हैं आपको। अभी हमारे पास समय है ना तिवारी जी, की नहीं है 10 मिनट समय नहीं है, 7:26 हो रहा है सर, तो अभी 7:26 का हमारा तो 7:35 से शुरू हुआ, 1 घंटा तो अभी हुआ। हाँ सर, 7:40 तक क्लास होता है ना जी, मैडम के बाद हमने छोड़ा, वो मैडम ने छोड़ा तो तब 6:40 से अधिक था।
एनीवे हम लोग 5-7 मिनट और लेंगे आप लोगों को थोड़ा समझने में। ये देखिए इसको समझ लीजिए तो बहुत बढ़िया। आकाश हम लोगों ने क्या आप लोग अपना आप शेयर करिए आप लोग, और लोग भी जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं वो भी शेयर करें, क्योंकि बहुत यही यही समझना है, इसको समझ लीजिए अच्छा लगेगा। गुण और कर्म हम लोगों ने क्या कहा था, तीन चीजें क्या कही पहले में, किन पर हम लोगों को आधारित करना आगे चिकित्सा, द्रव्य गुण और कर्म। तो द्रव्य क्या है, आकाश, गुण और कर्म। तो आकाश को समझ करके गुण और कर्म को समझना, कैसे, गुण क्या है, मृदु है, आकाश मृदु है ना, सॉफ्ट है, लघु है, लघु माने आकाश माने स्पेस, कहीं भी जा सकता है, कितना भी लोग कोई भी छोटी सी जगह होगी वहां आकाश होगा। सूक्ष्म, सूक्ष्म माने किसी भी छोटे से स्थान में भी जा सकता है तो सूक्ष्म है, अपना आकार बदल, उसका आकार तो वही हो जाएगा जो आपका आकार आपका इसका है स्पेस का। सूक्ष्म उसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है, मृदु लघु सूक्ष्म तीन है, शेयर करते रहिए आप लोग, बोलते भी रहिए बीच में। सूक्ष्म उसका बहुत बड़ा अप्रतिघात, कोई भी, ये आकाश माने सब हमारे चारों तरफ आकाश है, तो हम कभी भी कोई मुक्का मारेंगे तो कोई भी प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती, कहां प्रतिक्रिया हो रही है, नहीं कर रहा ना, तो ये सृष्टि का वो है। तो अप्रतिघात इसका बड़ा करेक्टर है, इसको याद रखिएगा कहां हम लोग यूज करेंगे। फिर उसमें क्या है, मार्दव, मृद से मार्दव बना। कर्म क्या है, मृदुता, मृदुता लाना। सौशिर, सौशिर माने सुशिर, सुशिरता माने उसमें छिद्र युक्त है, जैसे आकाश से पानी बरसता है तो छेद की वजह से मानते हैं कि छेद, ऐसे हड्डियों से हमारे शरीर से क्या होता है, देखिए हमारे पसीना निकलता है, सौशिर है त्वचा हमारी, क्या है, सौशिर है, मतलब वो कर्म उसका निकालती है अंदर से, कोई लिक्विड निकाल देती है। लाघव, लघु से लाघव बना है, तो मार्दव सौशिर लाघव, मतलब छिद्र युक्त है, मृदुता है, और वो लाघव लघु का, तो यानी आकाश कोई तत्व आप आकाश तत्व को लघुता भी डेवलप करेगी, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसी को देख करके हम लोगों ने आगे चल के इसी सॉफ्ट और पर लेकर के तमाम प्रोटोकॉल बनाए। वायु अब ऊपर से कंपेरिजन भी करते जाइएगा सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए स्पेशली, फोर्थ वाले काफी दो तीन बार सुन चुके हैं। वायु का गुण क्या है, लघु है, तो लघु देखिए कहीं लघु पर है, आकाश में है ना, पढ़ते जाइएगा आप लोग जो लघु 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 आकाश में भी है, देखिए तो बहुत से कैरेक्टर मिलेंगे आपको, लघु भी है लेकिन शीतलता नहीं, वायु में शीतलता है, बात आप कहते हैं ना कि ठंडी हवा है तो वायु में शीतलता है, वायु में रुक्षता है और खरता है, ये विशेषता हो गई उसकी, वायु की विशेषता क्या हो गई, रुक्षता खरता शीतलता, ये उसकी विशेषता हो गई। सूक्ष्म तो वो भी है, आकाश भी है, लेकिन स्पेशली अच्छा ये जो हम लोगों ने शब्द वाले रखे था ना, तो वो मत भूलिए, तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो तो है ही, वो रहेगा सबके साथ, ठीक है, वो उसका गुण है। तो अब वायु के साथ विशद जुड़ा, तो विशद नोट कर लीजिएगा आप लोग, नया वो है, लेकिन रुक्षता खरता, रुक्ष है वायु की वजह से आपकी चिकनी त्वचा जो है रुक्ष हो जाती है, खर हो जाती है, और उसका शीतलता, ठंडी हवा शीतल होती है और स्पर्श हो गया। अब कर्म क्या है, रोक्ष, रुक्ष से रोक्ष हो गया, रुक्ष माने रुक्ष बनाने काम करती है। ग्लानी, अब ग्लानी क्यों कहा गया है, ग्लानी और विचार क्यों कहा गया, क्योंकि कभी कभी वायु की वजह से आपको अचानक ही आप दुखी हो जाते हैं, वायु के कैरेक्टर वात की वजह से, ग्लानी और विचार कर्म, इसलिए कि ये मन पर पहला कैरेक्टर यही होता है, ब्रेन को फंक्शनल कराता है, तो विचार यही से आते हैं, जो ब्रेन को फंक्शनल कराए वही विचार वाला है। तो पहले सबसे पहले वात शक्ति है वायु के साथ जुड़ी हुई, तो वात शक्ति में वायु प्रबल है, इसलिए विचार को
उत्पन्न करता है। इसी की वजह से मैं विचार कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो ये बोलने का जो विचार करने का, तो जहां विचार करेगा वहां ग्लानी भी हो सकती है, वहां दुख भी हो सकता है। तो वैशद माने विशद से वैशद बना और लघु से लाघु बना, तो ये क्या का? ठीक है, तो ग्लानी और विचार ये उसके साथ जुड़ा हुआ है अलग से। रुक्षता तो है ही है, तो आप ये देखिए शीतलता रुक्षता खड़ता ये उसके बहुत बड़े वो है, इन्हीं पर हम लोग का बहुत सा। और ये चल चल है, वायु चल है, सबसे अधिक चल है, सर मतलब बहुत तेज चलती है। वायु की गति मन की गति से केवल कम है, लेकिन वायु की गति सब इन सब में सबसे अधिक है। अग्नि क्या है? अग्नि में देखिए, अग्नि में भी विशद है, याद करिएगा। विशद माने बहुत, विशद का बड़ा वो है, आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि विशद माने केवल साफ नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि विशद बहुत बड़ा, विशद माने विशाल, विशाल संदर्भ में भी है, और विशद माने बहुत स्पष्ट भी है, बहुत साफ भी है, सुथरा भी है, वो भी है। तो विशद वायु भी है, विशद अग्नि भी है, लेकिन वायु में लघुता है, शीतलता है, लेकिन अग्नि में उष्णता और तीक्ष्णता, ये दो कैरेक्टर सबसे बड़े हैं। क्या? उष्ण और तीक्ष्ण, तीखी है, आग चुभ जाएगी तो आपको लगेगी, उष्ण है गर्मी लगेगी, और चुभ जाएगी तो आपको जलन हो जाएगी। तो जलन और उष्णता ये उसका मेन कैरेक्टर है। रूप तो है ही है, वो तन्मात्रा है। दाह उत्क्राम क्या है? दाह, दाह करना, जला देना, पाक, पाक कर देना, मतलब प्रभाव, प्रकाश, वर्ण, ये उसके वो है। तो जब भी कभी जो भी आपके शरीर में कैटाबॉलिज्म हो रही है, एनाबॉलिज्म हो रही है, जो मेटाबॉलिज्म जिसको कहना चाहिए, वो आपके जो चेहरे का वर्ण है, जो आपका सौंदर्य है, वो अग्नि के तत्व के कारण है। दाह महाप्रकाश वर्ण, जैसे आप घर में सब्जी पकाते हैं तो जब जो उसका कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल पक जाता है। सोने को तपाते हैं तो कहते हैं अग्नि तपाती है, तो सोने का प्रभाव प्रकाश वर्ण उसका, तो वो अग्नि की वजह से है। तो देखिए अग्नि जलाती भी है, दाह करती है ना, तो दाह में अगर बिल्कुल बहुत हो जाए तो अग्नि जलाकर काला भी कर देगी। तो अग्नि का कैरेक्टर है आयुर्वेद में कालापन का द्योतक अग्नि। जल, जल द्रव है, सबसे बहुत तेज बहता है, सबसे जितने भी हैं तो वायु को छोड़ दीजिए, शेष सबसे तेज बहता है। स्निग्ध है, शीत है, शीतलता वायु में थी और शीतलता जल में भी है, लेकिन जल की शीतलता में वहां की शीतलता में अंतर यह है कि वो शीतलता रुक्षता और खड़ता भी कर दी थी, यहां ऐसा नहीं, यहां मृदु है, जल मृदु है। जल पिच्छिल है, तो यानी पिच्छिल जो कैरेक्टर आया वो हमारे पास जल के साथ आया, और कहीं नहीं है। देखिए पिच्छिल किसी में नहीं है, तो ऐसे ऐसे जोड़िए कि पिछल किसी में नहीं है। ये मंद है, मंदता जहां बात थी ना, मंद कोई नहीं है अभी तक चारों में से कोई मंद नहीं आया, तो ये मंद आया, मृदु तो आ गया, आकाश भी आ गया, लेकिन मृदुता जल में आ गई, लेकिन जल में शीतलता भी है, स्निग्ध है और पिछिल है। तो शीतलता, स्निग्ध, मंद, पिछिल, ये उसके मेन कैरेक्टर हो गए, मृदुता भी। अब कर्म क्या है? उत्क्लेद, गीला कर देना, यानी कहा भी पानी होता है, पानी कहीं करेंगे तो उसमें गीलापन आ जाएगा। स्नेह, पराभौतिक में स्नेह जो है करेक्टर, वो जल की वजह से। बंध, बांधता है, कैसे बांधता है? सीमेंट, गारा, ईटा, मीट सब लगा दीजिए, बांध देगा, दोबारा स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा, गिरेगा नहीं। तो बंधन जो है, चाहे वो पराभौतिक में हो चाहे भौतिक में हो, जो बांधता है वो जल है। विषंद, विष को निकालता है, कैसे निकालता है? टॉक्सिन को अपने साथ गलाता है, अपने साथ कर लेता है और उसको निकाल देता है। जल के साथ ही सब निकल जाते हैं, और लीवर यही काम करता है, जल के स्थल में घुलनशील बना देता है। बिलरुबिन वाला देखा है आपने, कोल बिलरुबिन, हीम बिलरुबिन वाला, वो जाता है वहां करके अंत में उसको जल में घुलनशील बना करके और फिर निकालता है किडनी के माध्यम से। तो विषंद माने विष तत्वों को अपने में घोल कर निकाल देना, मार दो, मृदु से मार दो बना है। और प्रहलाद, अब देखिए प्रहलाद माने प्रसन्नता, जल की वजह से आप जल पीते हैं तो आपको प्रसन्नता, बहुत प्यास लगी हो और आप पीते हो तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये जल का ये कैरेक्टर है। ठीक, पृथ्वी, गुण, गुरु है, जो हम गुरु बात पढ़ रहे थे ना, गुरु है, खर है, खर और पृथ्वी को ये वायु भी खर है, लेकिन वायु रुक्ष है, यहाँ रुक्ष नहीं है ना, यहाँ खर है, कठिन है, मंद है, मंद जल भी है, मंद ये भी है, लेकिन स्थिर, जल तो मंद था
ये पृथ्वी तो बिल्कुल मंद है और स्थिर भी है, मंद इतने की स्थिर। और विशद तीन कैरेक्टर है, विशद में वायु भी थी, अग्नि भी थी और पृथ्वी विशद है। सांद्र, सांद्र का कैरेक्टर आया था ना, सांद्र कैरेक्टर यही है और स्थूल यही है और गंध तो भाई है। और ये क्या उपजा उपचय संघात गौरव स्थिर, ये धारण करती है, संघात मिलाती है दोनों चीजों को, गौरव माने गुरु से गौरव और स्थिर से स्थिरता, तो ये मिलाती है, धारण करती, निर्माण भी करती है। यही पृथ्वी जो है कई चीजों को मिलाकर निर्माण करती है, तो ये उसके गुण है। इन गुणों के आधार पर हम लोग आगे चल के आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा तम, इनकी हम लोग आगे उसमें पढ़ेंगे और तब हम लोग समझ लेंगे। अब एक प्रश्न मेरा है, इसको हम अभी जो है इस रूप में हम लोग इसको समझ रहे हैं। ये शेयर हो रहा ना कि नहीं, वो शेयरिंग हो रही हुई, शेयरिंग नहीं हुई, ठीक है। तो इन इस हम लोग जो जितना हम लोगों ने वार्ता किया समझा, आप लोग भी इसको देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं लेकिन हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, वो इसको वीडियो को देखते हैं। मेरी फिर वही गुजारिश है, मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है, मेरी वही निवेदन है मेरा कि ये इस वीडियो के माध्यम से इस विधा को आप आगे प्रचारित करिए। उससे क्या होगा कि अगर हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये जान जाएंगे कि इस तत्व की, अग्नि तत्व को हमारे यहाँ आग्नेय नहीं होना चाहिए शरीर को, तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग बीमार न पड़े, आग्नेय चीजों का प्रयोग करें। हमको अगर क्षारी करना है तो हम क्षारी करें, हम तीव्र का कम प्रयोग करें, तो हम इस तरह क्या होगा, बीमार एक तो बीमार न पड़े, दूसरा अगर हम बीमार पड़े भी तो हमको ये मालूम हो कि हम किस रूप में इलाज कर सकते हैं। और केवल यही नहीं कि आयुर्वेदिक ही है, हमारे पास चाइनीज भी है, हम बीएचबी पढ़ते हैं, बीएचबी इसलिए पढ़ते हैं कि हम समझें कि हमारे ऑर्गन्स कहाँ कहाँ स्थित है। तो इनके माध्यम से अगर हम प्रचारित प्रसारित करेंगे और वीडियो हम लोग देखेंगे सुनेंगे, दूसरे लोग भी देखेंगे, केवल उद्देश्य हमारा, हम तो स्टूडेंट है, हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जिनको तक पहुंचाना है वहां पर हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे इन्हीं वीडियो के माध्यम से। और हमारा ये गुजारिश है कि तभी हम जो खेमका सर, जेपी अग्रवाल सर और एस एस सराफ सर ने जो ये सब पूरा सपना देखा हुआ है और कहा हुआ है कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ये सपना तभी पूरा हो सकेगा जब हम वीडियो को खूब शेयर करेंगे, सब तक पहुंचाएंगे, क्लासेस ज्वाइन करेंगे। फ्री क्लासेस हैं, आप आइए, निश्चित होकर आइए, निश्चित होकर के आइए और पढ़िए, समझिए, पढ़ाइए। और हम लोग यही चाहते हैं कि इसी माध्यम से विधा पूरे संसार भर में फैले। अब मेरा एक प्रश्न है केवल,